मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से कि लंकापति रावण भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में क्यों और कब आया था। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों को यह रहस्यमय बात को पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जिससे आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जानकारी किसी भी चीज़ की हो पूरी होना चाहिए, वरना फायदा कम नुकसान ज़्यादा कर सकती है। मित्रों, अब और आपका ज़्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए जानते हैं कि आखिर रावण अयोध्या आया क्यों था। बंधुओं, यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ब्याह कर घर मैया जानकी जी को लाए हुए थे। तो मैया जानकी जी ने कई दिनों तक भगवान श्री राम के घर प्रसाद नहीं ग्रहण किया था, यानी उन्होंने राम जी के घर पर भोजन नहीं किया। जब इस बात की खबर राजा दशरथ तक पहुंची, तो उन्होंने खुद चलकर मैया जानकी जी से पूछा, पुत्री आखिर बात क्या है जो भोजन ग्रहण नहीं कर रही हो। तब मैया जानकी जी ने बहुत ही मर्यादित स्वर में जवाब दिया कि पिताजी, इस घर पर दोष लगा है ब्राह्मण का। श्रवण कुमार के माता पिता ने आपके कारण अपना शरीर त्यागा था, इस वजह से इस घर पर दोष लगा है, इसीलिए मैं इस घर पर प्रसाद नहीं पा रही हूँ। इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ बहुत ही भावुक हो गए और कहा, बेटी यह दोष मिटेगा कैसे। मैया जानकी ने कहा, पिताजी यह दोष तब ही मिट पाएगा जब कोई ऐसा ब्राह्मण भोजन करेगा जो किसी जजमान के यहाँ भोजन न किया हो। तब राजा दशरथ विचार करने लगे कि ऐसा ब्राह्मण कौन हो सकता है जो किसी के घर भोजन न किया हो। तब राजा दशरथ को काफी खोज करने पर पता चला कि लंका नगरी में एक रावण ही ऐसा ब्राह्मण है जो किसी के घर भोजन नहीं किया। तब महाराज दशरथ जी ने विशेष आग्रह के साथ पत्र लिखा कि हमारे पुत्र राम का विवाह हुआ है, आपको भोज के लिए आमंत्रित करता हूँ। रावण इस पत्र को स्वीकार करते हुए महाराज राजा दशरथ जी के यहाँ आया, क्योंकि रावण ये भली भांति जानता था कि जिस धनुष को हम हिला भी नहीं सके, उसको जिसने तोड़ा है वो साधारण इंसान नहीं हो सकता है। रावण बल के साथ ही साथ बहुत बुद्धिमान भी था। वो इसी बहाने दर्शन करने अवध में आकर के जब भोजन करने बैठा, तो मैया जानकी जी ने अपने हाथ से प्रसाद बना करके खुद परोसा। संयोग बस एक दिन का उड़कर महाराज दशरथ जी की थाल में जा गिरा। रावण ने भी हालांकि देखा उस तिनके को। तब जानकी जी ने विचार किया कि जब सब लोग प्रसाद पा रहे हैं, तो अगर मैं इस तिनके को उठा रही हूं तो व्यवधान उत्पन्न होगा। अगर मैं खुद कहूं तो सब हंसेंगे मुझ पर कि कैसी अव्यवस्था है। ऐसा कहा जाता है कि मैया जानकी जी ने हाथ नहीं लगाया और भर नजर तिनके की ओर देखा, और वो तिनका कुछ क्षणों के अंदर भस्म हो गया। यह नजारा रावण बड़े ही गौर से देख रहा था। महाराज दशरथ भी पूरी बात को समझ गए। हालांकि रावण ने यह बात अपने दिमाग में भली भांति बैठा लिया कि जिसने अपनी दृष्टि मात्र से तिनकों को भस्म कर दिया हो, यह कोई साधारण नारी नहीं हो सकती है। हालांकि रावण उस वक्त कहा कुछ नहीं और प्रसाद पाकर चुपचाप चला गया। तब महाराज दशरथ जी ने मैया जानकी जी से वचन मांगा, बेटी आज तुम हमें वचन दो कि आज जैसे तुमने तिनके को भस्म किया है, वैसी नजर किसी पर नहीं डालोगी। इसी वजह से मैया जानकी जी ने रावण की ओर ऐसी दृष्टि नहीं डाली, जबकि रावण बार बार यही कहा करता था कि मेरी ओर एक बार निहारो। मैया जानकी यही कहा करती थी कि ये हरगिज नहीं हो सकता है, तुम्हें तो ये मालूम है कि मैंने तिनके का क्या हाल किया था। इस बात का उल्लेख सुंदर कांड में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तृण धरी ओट कहत बैदेही, सुमिरी अवध पति परम स्नेही।